कम से कम अब से आधी अधूरी ना लगे। क्या बात है, सुनिएगा। कहना है क्या कि जब प्रभु भगवान कन्हैया का जन्म हो गया और कन्हैया मथुरा से गोकुल भी पहुंच गए, लेकिन इधर मथुरा में देखेगा जैसे ही कंस वसुदेव और देवकी के पास आता है, और जैसे ही वसुदेव और देवकी को खुश देखता है तो आखिर वो सोच में पड़ जाता है कि ये दोनों इतने खुश क्यों हैं। कंस पूछने लगा वसुदेव से कि आखिर तुम दोनों इतने खुश क्यों हो। वसुदेव कहने लगे, कंस कहां से तुम्हें खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि जो सुख में भी खुश रहते हैं और दुख में भी खुश रहते हैं। और खुशी की बात है ही है, क्योंकि जब कन्हैया का अवतार हो जाए तो खुशी की बात है, लेकिन इधर देखिएगा मेरी लाइनों में कौन कौन खुश है। कहना है दादाजी, सुनिएगा। मानव का रूप और मुझे विश्वास है कि इस गीत में जो विधा लगी हुई है तो शायद आप आज मुझे सुनने को मिलेगी आपसे। बिल्कुल मिलेगी बेटे, ऐसी ऐसी मुझे आशा है। आशा नहीं, विश्वास। क्या बात है, सुनिएगा। कहना है जब कन्हैया का अवतार हो गया तो कहना है कि कौन कौन खुश है, लाइनों में शब्दों के द्वारा सुनिएगा। कहना बताओ बेटे। मानव का रूप आकर प्रभु ने जब धरा है, और जब रूप धर लिया तो सुनिएगा। विप्र धेनु संत सुर संग खुश हुई धरा है, और जब धरा खुश हो गई कंस बार बार पूछ रहा है देवकी और वसुदेव से, क्या कि आखिर तुम दोनों इतने खुश क्यों हो। क्यों हो, वसुदेव कहने लगे, कंस हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जेल में पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति जेल में हो वो खुश कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है, बताओ बेटे। तो कंस कहने लगा, क्या वसुदेव तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन ये बातें, ये सात बातें ऐसी हैं जो कभी छिपाई नहीं छिपती। सुनिएगा। कहने लगा कि बातें सात न छिपती ये जाने सकल जहान। दादाजी, ये बातें सात न छिपती ये जाने सकल जहान। और वो बातें कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान। क्या बात है बेटे, ये सात बातें ऐसी हैं जो कभी किसी से छिपाए नहीं छिपती। इसलिए बातें सात न छिपती ये जाने सकल जहां। तो खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान। दूसरा मन सुनिएगा, इतना कहा कंस ने कि ये सात बातें कभी छिपाई नहीं छिपती। देखिएगा कैसे दे
कहना है वसुदेव और देवकी के तरफ, सुनिएगा, कहना है दूर निगाहें अपनी उन पर है ताने, बहन बहनोई को मारता है ताने, वसुदेव और देवकी को ताने मारने लगा, कहने लगा क्या दूर निगाहें अपनी उन पर है ताने, कोई को मारता है ताने, और जब वसुदेव और देवकी को ताने मारने लगा तो देखिएगा वसुदेव कहने लगे क्या कंस छह बातें कर विधि के, कहने लगे वासुदेव क्या कहने लगे बेटा बोलो, कि छह बातें कर विधि के ये जाने सकल जहान, अगर ये बातें होनी होगी तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में, उस विधाता के हाथ में। कहने लगे कुछ बातें कर विधि के ये जाने सकल जहां, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस श्रीमान, ये छह बातें उस विधाता के हाथ में है, इसलिए छह बातें कर विधि के ये जाने सकल जहां, तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस दादाजी कहना है क्या बेटे, कि जहाँ स्वयं भगवान का अवतार हो जाए तो वहाँ आखिर हो क्या सकता है, क्योंकि इधर देखिएगा कन्हैया ने कंस का वध कर दिया तो कहना पड़ा इन लाइनों के द्वारा, कहना क्या बेटे, धरा से मिटाया दीपक धरा से मिटाया दीपक पाप सबने जाना, तो कंस दुराचारी को पड़ा जग से जाना, ये बात सभी जानते हैं, और जब कंस चला गया और जहाँ स्वयं भगवान हो तो उधर देखिएगा होता क्या है, पांच बातें मिट जाती ये जाने सकल जहां, जहां स्वयं भगवान हो वहां से ये पांच बातें हमेशा के लिए मिट जाती हैं, कौन कौन कि पांच बातें मिट जाती ये जाने सकल जहां, काम क्रोध मद मोह लोभ का रहता नहीं निशान, पांच बातें मिट जाती ये जाने सकल जहां, क्रोध मद मोह लोभ का रहता नहीं श्रीमान, काम क्रोध मद मोह लोभ का
जीसस वो हमारा ट्रेजर है। जय आदरणीय कमलेश्वरी जी। हेलो, आपने कहा दादा जी जी आपसे बड़ी उम्मीद थी। ओके, जवाब की आपने जवाब दिया जो दिया, लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसा जवाब नहीं दिया। बिटिया, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैं ये जान लूँ कि तुम क्या चाहती थी। जो जवाब था तुमने कहा यहाँ से त्योहार शुरू हुआ, तो मैंने कहा ना, रोने से त्योहार नहीं शुरू हुआ। सबसे पहले त्योहार मनाया गया, भगवान राम ने सबसे पहले माता की पूजा की, वहां से यह त्योहार शुरू हुआ। उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया था, बता भी दिया था कि आपको कहां से सुनाया, कोई लोकल नहीं था। अब आपने गाया, मैंने गाया जय माता की, जय जय माता की, जय 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 माता की, जय 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 माता की। दीपक भैया, मुझे अफसोस है कि आप केवल जय जय कर भटकते 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 कहां पहुंच गए आप। लेकिन आपने जो मेन आधार था कि चार जय ला रहा था, लेकिन माता जी नहीं छोड़ रही थी। जय माता की, जय जय माता की, जय 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 माता की, जय 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 माता की। कहीं हनुमान, कहीं शनि देव, कहीं भटक गए गीत। जो दिया आपने वो स्वीकार करता हूँ, संतोष ब्राह्मण होने के नाते संतोष कर लेता हूँ। तुम संतोष के नाम को रास्ता बता देता हूँ कि आप गीत में बिल्कुल पूर्ण रूप से भटक गए हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, नहीं शोर झूमे जैसे बन पाना खैर खुशी ये अपने साथ लाए, ठीक है जी, रहीम जी का दोहा है। इसके बाद आप छलाए जन्म मरण हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, लेकिन हाथ को हटा कर उन्होंने श्रीमान लगा दिया। इसका मतलब जो दोहा लिखा हुआ है तुलसीदास जी का, उस पंक्ति से कोई मतलब नहीं रह गया, अपनी तरफ से केवल प्रयोग है जी। फिर आप जहाँ पांच दिखा रहे दीपक भैया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, केवल चार ही हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर रही भजऊ भजे जय संत, केवल चार ही हैं, पांच नहीं है वहां। ठीक है, वो आपका गीत है, आप जाने, या तो आप अलग से लगा रहे हैं तो फिर इसका मतलब कविता से कोई लेना देना नहीं है। सुनिएगा, मैं जवाब दे रहा हूं। ज्ञान
कंस ने कहा देवकी से ठीक है देखना दीपक भैया द्वापर की बात उदाहरण रामायण से भगवान श्री कृष्ण पहुंचे माता पिता को बोध देने के लिए साथ ही साथ ज्ञान देने के लिए और सुनिए कैसे बोध दिया सुनिएगा कैसे पंक्तियां ला के दिखा रहा हूं लगे कि चिंता करो ना माता ये विधि का विधान है चिंता करो ना माता विधि का विधान है जो भी जिसको देता वो सब देता भगवान है जो भी देता है सबको देता भगवान है ये तो कभी किसी से जाके कभी किसी से जाके ये करियो नहीं बखान चलो कभी किसी से जाके ये करियो नहीं बखान सुनना दीपक भैया कि सुख दुख औषधि और मंत्र पुण्य दान और अपमान दुआ सुख दुख औषध मंत्र गुण दान और अपमान तुलसी पर घर जाके करो न कबो बखान सुनिए पर घर जा करके ये करिए नहीं बखान सुख दुख औषध मंत्र तुमने दान और तो हाँ में कोई संशोधन नहीं है सुख दुख औषध मंत्र पुनः दान और अपमान चलिए अगला देखिएगा बस दो हाथ जोड़कर कहने लगे कृष्ण तुम भले ही हमारे पुत्र बन के आए हो लेकिन हम तुमको जान गए तुम कौन हो और कि ईश्वर जगत के तुम हो अरे ईश्वर जगत के तुम हो हम तुमको मनाते हम तुमको मनाते कि लीला दिखाने खातर लीला दिखाने के खातिर मनुष्य बन के समझ गए लेकिन प्रभु हमारे निवेदन करते हैं कि भक्त जान कर अपना कि भक्त जान के अपना तुम कर दीजे कल्याण भक्त जान के अपना प्रभु कर दीजे कल्याण
सिन्ना धारे बन्ना काम रची पदना चाहने दीपक भैया सुनिए और सिन्ना धारे बन्ना काम रची पदना चाहने निर्माण और जन्म जन्म रघुवीर पदे ये बलिदान समय की वजह से है इधर मतलब छह चार पांच पांच रह गया बीच में।